नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, नेचुरोपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से। मैं फाउंडर इन्वेंटर हूं एनडब्ल्यूएम का। एनडब्ल्यूएम एक्चुअली अभी तक इतनी सारी बातें हम एनडब्ल्यूएम के बारे में कर चुके हैं, फिर भी कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे। एनडब्ल्यूएम एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, ड्रगलेस थेरेपी है, साइको योगिक थेरेपी है, और ये एक कंप्लीट थेरेपी है। और इसको मैंने आपको पहले भी बताया, भारत सरकार ने भी इसको अप्रिशिएट किया है और CCS यूनिवर्सिटी ने भी साइको योगिक थेरेपी की तरह भी माना है। पूरी दुनिया में एनडब्ल्यूएम थेरेपी की तरह से इस्तेमाल हो रही है। तो इसको ऐसे ना सोचे कि ये कोई छोटी सी ऐसी चीज है जिसको आप एक दो घंटे वाले कोर्स की तरह से सीख लेंगे। बहुत लोग मेरे से ये कहते हैं जी हमें कब सिखाइएगा, सिखा देंगे, लेकिन इसके यूजी पीजी कोर्सेज हम शुरू करने वाले हैं। तो आप इसमें बैचलर डिग्री भी करेंगे, इसमें मास्टर्स भी करेंगे, लेकिन इसको ऐसे ना सोचे कि ये कोई चलती फिरती चीज है जिसको एक दो घंटे में आप सीख लें और आपका काम हो जाएगा। उससे एक्चुअली काम कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो ऐसा ना सोचे। अगर आपको सीखने का भी एनडब्ल्यूएम का मन है तो पहले पूरा मन बनाए कि आप एक थेरेपी में आना चाहते हैं। अब मैं ये बताता हूं एनडब्ल्यूएम क्यों है एक थेरेपी। एक थेरेपी वो होती है जो या तो किसी रोग को ठीक कर दे या ठीक करने की कोशिश कर दे या उसमें मदद कर दे। तो मैं अलग अलग सबकी डेफिनेशंस बता रहा हूं। हमारी थेरेपी की खास बात यह है, सुंदरता यह है कि ये डायग्नोज भी करती है। डायग्नोज का मतलब है कि आपको रोगों के बारे में, आपकी परेशानियों के बारे में भी बताती है। अच्छा, जब हमें ये पता चल जाता है कि आप किस चीज से ग्रसित हैं, क्या चीज के साथ आप परेशान हैं, तो हम फिर उसका इलाज भी कर देते हैं। इलाज मैंने बताया, ये थेरेपी ट्रीटमेंट भी करती है। ट्रीटमेंट के अलावा अगर कोई और थेरेपी के साथ, जैसे हम एलोपैथी के साथ काम करते हैं, तो एलोपैथी में हम रिहैबिलिटेशन वाला जो काम है वो भी करते हैं एज कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। जैसे फिजियोथेरेपी काम में आती है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम में आती है, ऐसे ही एनडब्ल्यूएम भी काम में आती है। साइकोयोगिक थेरेपी की तरह से भी काम में करती है, आपको मालूम है सबको। मेरा मतलब आपसे बात करने का आज ये है क्योंकि आज भी बहुत लोग ये समझते हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सीख ली इधर उधर से, एक एक दो दो घंटे के कोर्स करके, और फिर वो क्लेम करते हैं कि बहुत बड़े हीलर हो गए। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एनडब्ल्यूएम के साथ में। ये एक थेरेपी है, अगर आपका सीखने का मन है तो आपको सालों लगाने पड़ेंगे। जैसे इस एनडब्ल्यूएम के पीछे मेरे 25 साल लगे हुए हैं, यूं तो बहुत साल लगे हुए हैं इसमें मेरे परिवार के, लेकिन मेरे खुद के 25 साल लगे हुए हैं, तब जाके ये नेचुरोमैटिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर ने नेचुरोमैटिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड बनाया है। तो आपको ये तपस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए किसी की भी। हाँ, बहुत जगहों पे आप देखेंगे, मैं कई जगह पे बोलता हूं कि हम एक्चुअली कई बार अपने छोटे से लालच में थेरेपी का बड़ा नुकसान करते हैं। जैसे आपने BAMS किया हुआ है और आप BAMS को प्रैक्टिस ना करके 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं एलोपैथ के पास या किसी एलोपैथिक सेटिंग में, मॉडर्न मेडिसिन की सेटिंग में, एक MO की तरह से, यानी आप वहां पे एलोपैथी कर रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं आप? मतलब मेरी ये गुजारिश है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसे ठीक से इस्तेमाल करो। ऐसे ही यूनानी के साथ है, जिन्होंने यूनानी पढ़ा है उसको ठीक से इस्तेमाल करो। यूनानी के आप थेरेपिस्ट बनो, यूनानी के आप डॉक्टर बनो, और सबकी इज्जत है। अगर आप अपना काम अच्छा करते हो तो हकीमों की भी पूछ है, वैद्यों की भी पूछ है, अपना काम करो। अब बहुत लोग देखने में आता है, मतलब सो कोल्ड नेचुरोपैथ है और उनकी स्पेशलिटी सर की मालिश करना है। बताइए, मतलब है ना मजाक? मतलब आपके पास सोना दिया गया 1-2 किलो और आपने उससे कान खुजाने की तेलियां बना ली, ऐसी हालत कर रखी है। किसी ने अच्छी खासी क्वालिफिकेशन ले ली और योगा सिखा रहे हैं, योगा थेरेपिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा है, आप एक नेचुरोपैथ बन के, योगा के डॉक्टर बन के वैसी ही सेवा दो तो आपको भी लगेगा जो मैंने मेहनत की थी वो काम में आई। लेकिन आप BAMS करके कहीं पे सारा दिन आप
एलोपैथी के सेटिंग में लगे रहते हैं, अपना कोई काम नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है, थेरेपी का नुकसान होता है। आप अपने काम में पूरा मन लगा के करिएगा, कोई भी काम हो, कोई भी छोटा नहीं है, हर काम से लोग अपना नाम बना रहे हैं। तो जब आप एनडब्ल्यूएम की तरफ देखें तो आप यही सोच के देखें, यही सोचें कि जब हमें अगर एनडब्ल्यूएम करना है, और ये देखिए ये कितनी गर्व की बात है, ये एनडब्ल्यूएम आपके घर की चीज है, मेरठ में पनपी है, उत्तर प्रदेश में पनपी है, इंडिया में पनपी है, आपकी अपनी थेरेपी है, तो आपको तो ये वैसे भी एक मतलब ये हर्ष का विषय है कि ये एक हमारी अपनी थेरेपी है। और ये थेरेपी फिर मैं बता रहा हूं, ये इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आप ये कह दोगे जी ये तो, मतलब बहुत लोग आज तक भी इतना कहने के बाद भी कहते हैं ये रेकी है, ये योगा है, ये नेचुरोपैथी है। अरे भाई ऐसे तो पूरी सृष्टि में सारी चीजें एक सी दिखाई देती हैं, लेकिन आप पढ़ो तो सही, आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और फिजियोथेरेपी में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, बीपीटी अलग पढ़ना पड़ता है, बीओटी अलग पढ़ना पड़ता है। तो जब कभी भी आपके मन में संशय हो, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं आपको एनडब्ल्यूएम समझना है, एनडब्ल्यूएम से बहुत सारे लाभ हैं, दुनिया ले रही है, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, आठों तरह की वेलनेस दिला देते हैं हम, कोशिश करते हैं कि आठों तरह की जो वेलनेस है उसमें हम आपकी मदद कर पाए, हो रही है। लेकिन आप इसको बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये कोई दो तीन पन्नों की कोई किताब है जिसको पढ़ के आप इसके थेरेपिस्ट बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, जो हमारे 25 साल लगे हुए हैं मेरी जिंदगी के, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके 5-5 साल कम से कम, जो हमारा एक तरह से जो हमने अभी तक जो हम चला रहे हैं बैचलर थेरेपी, वो बैचलर कोर्स हमारा 3.5 साल का है, 3.5 साल के बाद हम बैचलर डिग्री देते हैं। तो आप ये समझिए कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी कोर्स हो। आप ये जो छोटे छोटे से है ना, किसी ने टैरो कार्ड सीख लिया आधे घंटे में, रेकी सीख ली 1 घंटे में, प्राणिक हीलिंग सीख ली 2 घंटे में, और ऐसे ही आप चक्कर में लग जाते हो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो भाई साहब मुझे आप माफ करें, आप एनडब्ल्यूएम को उसमें बिल्कुल भी ना सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं किसी के भी बारे में कोई कटु बात नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं आपको बहुत सारी बातें, ऐसा कहते हैं कि जो मीठा सच हो वो उसको भी रोक लेना चाहिए। मैं कई बार जो आपके लिए अच्छा ना लगने वाला सच होता है वो मैं बताता नहीं हूं, नहीं तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि रेकी असलियत में रेकी आप सीख भी रहे हो या नहीं, ऐसी और चीजों के साथ है। आप दुनिया भर की बातें अपनी ये समझिए कि विदेशों से आई भी पता नहीं कितनी चीजें आप सीख रहे हो और कर रहे हो, और आप ये पता नहीं सब स्वदेशी स्वदेशी की बात करते रहते हैं, सबको बड़ा गर्व है हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमें गर्व है हम हिंदू हैं, हमें हम भारतीय हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक कहीं से भी कोई भी आगे खड़ा होके कहता है कि ये हमारी थेरेपी है, ये जापान से आई है, ये मॉरिशियस से आई है, ये कोरिया से आई है, और आप लोग उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेते हो। हमारे यहाँ की जो सारी परंपराएं हैं सब साइंटिफिक हैं और सब काम करती हैं। तो इसलिए जब कभी भी आप ये सोचें, एक तो शॉर्टकट मत ढूंढा करिए, कम से कम एनडब्ल्यूएम के लिए तो नहीं। वीडियो को आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। एनडब्ल्यूएम को आप जितना बड़ा करके मैंने बनाया है, प्रभु कृपा से बना है ये, तो इसको आप अपनी सोच में छोटा मत करिए। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठे एनडब्ल्यूएम के बारे में, तो क्वेश्चन हमसे करिए सीधा, क्योंकि और कोई बताने वाला ही नहीं है, इसका फाउंडर इन्वेंटर मैं हूं, तो मुझसे ही तो पूछिएगा आप। अपने आप दिमाग में अंदाजे मत लगाओ, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें, इजीली अवेलेबल चीजें जो आपके पास हैं ये वो नहीं है। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर रहा हूं, और जो लोग एनडब्ल्यूएम का फायदा ले रहे हैं, लगातार हमें टेस्टिमोनियल्स भेज रहे हैं, लगातार अपने पॉजिटिव फीडबैक्स भेज रहे हैं, तो उन सबका बड़ा धन्यवाद। अभी भी मेरे पास मतलब सालों की जो ऐसी ऐसी चीजें हैं, किसी को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को कुछ लोकोमोटर एलिमेंट है, किसी को डाइजेस्टिव ट्रैक की बहुत पुरानी परेशानियां हैं, वो सब ठीक हो रहे हैं। तो ये सब ठीक हो रहे हैं, तो इसके पीछे पूरा साइंस है, ये कोई 1-2 घंटे वाली कोई क्लास से नहीं होता। तो हो रहा होगा सबके ऊपर अलग अलग, भाई पता नहीं किसके पास क्या शक्ति है जिससे वो कर रहा है, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं जानता हूं, ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है, लेकिन आपको इसमें अपने साल लगाने पड़ेंगे,
जब वो आप तपस्या कर लोगे तो आपको मजा भी आएगा। इसीलिए मैं अभी हर एक को सिखा भी नहीं रहा हूं, मेडिकोस को सिखा रहा हूं, कुछ लोग जो बहुत इंटरेस्टेड है उनको सिखा रहा हूं, हर एक को नहीं सिखा रहा हूं। हाँ, बहुत जल्दी हम अपने यूजी पीजी कोर्सेज शुरू कर रहे हैं और किसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ बात चल रही है, तो मैं जल्दी ही यूजी पीजी कोर्सेज शुरू करूंगा, फेलोशिप भी शुरू करूंगा। लेकिन आप ये तो मान ही लीजिए कि ये ऐसे नहीं मिलेगी कि आप एक घंटे में आए और आप जाके किसी से कह दें कि मैं एनडब्ल्यूएम थेरेपिस्ट हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।